आज रात्रि में वो शक्ति खुलेगी, आज रात्रि पूर्णिमा में दरबार की वो शक्ति खुलेगी, महामृत्युंजय की वह शक्ति जो मार्कंडे के पास थी, भगवान शिव ने बचाया था जी, वो दरबार की शक्ति खुलेगी। उनके लिए है वो शक्ति, जो लोग आईसीयू में वेंटिलेटर पे अस्पताल में हैं, मृत्यु के पलड़े पे झूल रहे हैं, आज मरे कि कल मरे, वो उनके लिए है जो बिल्कुल असाध्य रोगी हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं बिल्कुल, तो वो उनके लिए केवल है। और निश्चित समझिए वो इतनी जबरदस्त शक्ति है उस हवन की कि मृत्यु कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अकाल मृत्यु नहीं होगी। वो आपके करौली सरकार के दरबार में वही होता है, जो बोला जाता है वही होता है, जो होता है वही बोला जाता है। जब आप आरोग्य के हवन करते हो आपको खुद एहसास होता होगा, आपके रोग और कष्ट सब निकल निकल के उसी में जाते हैं, समाप्त होते हैं। ऐसे ही ये अब हमने बोला है केवल कि महामृत्युंजय का की शक्ति खुलने जा रही है, सूक्ष्म जगत में पूरे ब्रह्मांड में इस बात को सुन के हाहाकार है कि अब ये कौन सी शक्ति खुलने जा रही है, यही बचा तो ये भी छीन लेंगे। तो आप दरबार से जुड़ते हैं, दरबार आपकी पूरी सुरक्षा करता है पूरी तरह से। ये सबके लिए नहीं है महामृत्युंजय, ये उनके लिए केवल है जो एकदम असाध्य है, लग रहा है कि शरीर छूट जाएगा, उनके लिए है, मृत्यु के करीब है या असाध्य रोगी है उनके लिए। वो लोग करते हैं जबरदस्त एक ऊर्जा का संचार होता है और मृत्यु के जबड़े से खींच के बाहर वापस नया जीवन मिलता है। ये वैदिक परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू की, इसे भगवान भोलेनाथ ने इसको शुरू कराया, और भगवान भोलेनाथ ने जब शुरू कर दिया तो एक व्यक्ति के लिए शुरू हुई थी, ऋषि मार्कंडेय के लिए, लेकिन कलयुग में पहली बार अब होने जा रहा है कि ये पूरी मानव जाति के लिए होने जा रहा है, और अब सब अच्छे होते हैं।